पाकवीलर जुहेब हेर फ्राम पाकवील डॉट कॉम पाकिस्तान की नंबर वन मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स बाइक्स एंड ऑटो पार्ट्स पिछली वीडियो में हम आपके लिए जोन टेस्ट थ्री टेन एक्स का रिव्यू लेकर आए थे और आज हम आपके लिए जोन टेस्ट थ्री टेन आर का रिव्यू लेकर आए हैं अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आप वो लाजमी देखें क्योंकि उसमें मैंने इस कंपनी की इस बाइक की कंपनी की हिस्ट्री के बारे में भी बताया था और दोनों बाइक का थोड़ा बहुत इंट्रो भी दिया था थ्री टन आर और थ्री टन एक्स का इंजन जो है वो सेम स्पेक्स का है इसका इंजन भी तीन सौ बारह सी सी डी ओ एस सी यानी कि डुअल ओवर हेड कैम सिंगल सिलेंडर फोर वोल्वस विद इंजन ऑयल स्प्रे सिस्टम के साथ आता है इंजन ऑयल स्प्रे सिस्टम के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था इस बाइक की जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो लिक्विड कूल cool है इस बाइक में 80 एम mm एम का बोर और 62 टू mm एम का स्ट्रोक है 36 हॉर्स पावर ये बाइक पचानवे सौ पे और तीस न्यूट्रोमीटर टॉर्क ये पचहत्तर सौ पे बनाता है इस बाइक में भी फ्यूल सप्लाई सिस्टम ई एफ है इस बाइक का ड्राई वेट वन फोर्टी और इसकी टॉप स्पीड कंपनी जो क्लेम कर रही है वो वन किलोमीटर पर आर है इस बाइक की ओवरऑल लुक और इसकी कलर अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये बाइक नेकड स्टाइल का है जिस तरह की टी एन डी ट्वेंटी फाइव है और इससे पिछला जो हमने थ्री टन एक्स का रिव्यू किया था वो फेरिंग वाली बाइक थी ये बाइक नेकड स्टाइल के होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश और स्पोर्ट्स शेप की है इस बाइक में जो कलर अवेलेबल हैं वो ब्लैक ब्लू और ग्रीन है इस बाइक के ब्रेक सिस्टम की बात करें तो फ्रंट पे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ सिंगल डिस्क और रियर पे आपको सिंगल पिस्टन कैलीपर के साथ सिंगल डिस्क अवेलेबल है अलबतः दोनों डिस्क जो है वो एबीएस है और बोश एबीएस सिस्टम के साथ आती हैं इस बाइक की अगर फीचर्स की बात करें तो थ्री टेन एक्स की तरह इस बाइक में भी कीलेस एंट्री है आपको रिमोट का बटन प्रेस करना है और एक बार हैंडल लॉक का बटन प्रेस करना है तो ये बाइक का हैंडल भी अनलॉक हो जाएगा और बाइक ऑन भी हो जाएगी बाइक की राइट साइड पर फीचर्स की बात करें तो ऊपर आपको इंजन की स्विच मोड का बटन सीट ओपन करने का बटन हैंडल लॉक का बटन मेन हेडलाइट ऑन करने का बटन और सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाता है थ्री टेन एक्स की तरह इसका ब्रेक लीवर भी एडजस्टेबल है अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड ग्रिप की बात करें तो लेफ्ट साइड की ग्रिप का जो क्लच लीवर है वो एडजस्टेबल है आपको डिपर की ऑप्शन मिल जाती है हाई बीम लो बीम की ऑप्शन मौजूद है हैजर्ड लाइट का बटन मौजूद है इंडिकेटर्स हॉर्न और इसके अलावा ए ऑन ऑफ करने का बटन मौजूद है फ्यूल टैंक का जो कवर है उसको भी आप बटन से ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं इसके अलावा अगर इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो उसके अंदर आपको स्पीडोमीटर आरपीएम, क्लॉक टेम्परेचर इन डिजिट्स ऑडोमीटर इसके अलावा गेयर इंडिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी और फ्यूल गेज आपका इधर है और इसके अंदर आपको एक ट्रिप की ऑप्शन भी मौजूद है मेन हेडलाइट की बात करें तो दो डी पार्किंग लाइट्स और मेन हेडलाइट में असम्बली यूज़ की गई है जो इंडिकेटर हैं वो इसकी बॉडी के अंदर ही हैं राइट और लेफ्ट और इसकी अगर हम टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी है टेल लाइट जो है वो बिल्कुल बाइक की जो बॉडी फ्रेम है उसके अंदर इंग्रेव है और एलईडी वाली टेल लाइट आपको दी गई है इसके अलावा इस बाइक में आपको मड गार्ड भी मिल जाता है और मड गार्ड के अंदर ही उन्होंने रियर के इंडिकेटर्स लगाए हैं इस बाइक का फ्यूल टैंक 15 लीटर पेट्रोल की कैपेसिटी रखता है और इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो सिंगल कैटेलिटिक कन्वर्टर के साथ आता है इसके जो एग्जॉस्ट का स्टाइल है वो बहुत ही प्यारा है और इसके मफलर जो है वो उन्होंने डुबल प्रोवाइड करवाए हैं इस बाइक का ज़ीरो टू हंड्रेड और हंड्रेड टू जीरो आपको करके दिखाएंगे अब इस बाइक के राइडिंग और कंफर्ट की अगर बात कर लें तो कंफर्ट में अगर इसकी सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट पे आपको इनवर्टिड टेलीस्कोपिक फोक और रियर पे आपको एडजस्टेबल मोनोशोक दिया गया है इस बाइक की मैंने चलाकर देखी है इसकी जो सस्पेंशन है वो काफ़ी बेहतर है सॉफ्ट है और ऑफ रोड और स्ट्रीड पर यह बहुत अच्छी और आरामदेह राइड देता है इसका जो राइडिंग पोस्टर है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट है नेकिट स्टाइल की बाइक है तो इसका राइडिंग पोस्टर भी आपको स्ट्रेट मिल जाता है इस स्टाइल में आप ज़्यादा थकते नहीं हैं जल्दी और इजीली आप थोड़ा लॉन्ग रूट पे भी बाइक को लेके जा सकते हैं इस बाइक के अगर अलॉय व्हील्स और टायर की बात करें तो 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स पे रियर पे आपको 160 सिक्सटी बाई सिक्सटी और फ्रंट पे आपको वन टेन बाई सेवेंटी के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं इस बाइक की ओवरऑल थॉर्स के बारे में अगर बात कर लीजिए तो थ्री एक्स की तरह इसके भी जो पेंट और पार्ट्स की क्वालिटी काफ़ी बेहतर है और कंपनी क्लेम करती है कि इसकी जो प्लास्टिक की बॉडी है वो अनब्रेकेबल है अलबतः मसला सिर्फ़ आता है पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पर मैंने पिछले रिव्यू में भी आपको बताया था कि बुराक ने बनाली के पार्ट्स में उन्होंने कभी अन अवेलेबलिटी का इशू नहीं आया बनानी के पार्ट्स उनके पास अवेलेबल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जोन के पार्ट्स भी उनके पास अवेलेबल होंगे अगर आप इस बाइक की मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो पाक वील के न्यू बाइक सेक्शन को विज़िट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए इन शाला जल्दी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।